पॉपुलर सेलिब्रिटी कपल चारू असोपा और राजीव सेन अपनी शादी में आ रही दिक्कतों को लेकर काफी टाइम से सुर्खियों में हैं। पिछले साल उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ कई बयान जारी किए और चारू ने राजीव पर घरेलू हिंसा और कई अन्य आरोप भी लगाए। तमाम एलिगेशंस के बाद पिछले साल इस कपल ने एक दूसरे से अलग होना ही बेहतर समझा और कानूनी रास्ता अपनाते हुए तलाक के लिए अर्जी भी दायर कर दी। इसी बीच जहां चारू ने कहा कि वह तलाक ही चाहती है, तो वहीं राजीव ने कई मौकों पर कहा कि वह चारू को अपनी लाइफ में वापस वेलकम करने के लिए तैयार है। हालांकि अब इस कपल की तलाक की फाइनल हियरिंग की तारीख सामने आ गई है। ई टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से चारू और राजीव सेन के तलाक की कार्यवाही चल रही है। कोर्ट ने काउंसलिंग सेशन के बाद कपल को 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड दिया था और अब फाइनल सुनवाई की तारीख 8 जून तय की गई है। इसके बाद चारू और राजीव का तलाक हो जाएगा।